दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं चौकुटिया से अंदर अपने गांव की तरफ को। ये हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अचानक मौसम बदल गया, मौसम ने करवट ली और अच्छी खासी खिली खाली धूप बारिश में तब्दील हो गई। ये सामने जो है रामगंगा नदी है, ये रामगंगा नदी के ऊपर झूला पुल बना हुआ है। यहाँ से हमारा गांव 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बगड़ी है, इस गांव का नाम बगड़ी है। ये भी कुमाऊं में पड़ता है। बहुत खूबसूरत दृश्य है इस गांव का। ये बगड़ी गांव का अति सुंदर दृश्य। काफी तेज बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश हो रही है। देखो देखो कुमाऊं में इस तरह से लोग काम करते हैं। ये डलिया सर के ऊपर रखी है, इसमें छाते का भी काम कर दिया है। ये हम लोग पहुंच गए हैं अब असेटी। इस गांव का नाम असेटी है। अगला पड़ाव होगा हमारा खेड़ा। फिलहाल कर दीजिए मैं अच्छा रुक जा। ये हम आ गए हैं पुनिया बगड़। पुनिया बगड़ ये गांव सड़क के उस पार है। बादाम बगड़ हैं? बादाम बगड़ बाप बाप बदान बगड़। बदान बगड़ पहले पौराणिक नाम इस गांव का पुनिया बगड़ था। और नीचे बहुत बड़ी नदी है मच्छी। और नीचे रामगंगा नदी बह रही है। चिंता नदी, ये चिंता नदी है। रामगंगा नदी के तो नाम है इसका, पर अब इसका नाम चिंता रह गया। ये नदी बेहद चिंतित करती है, यहाँ बड़ी बड़ी मच्छियाँ रहती हैं। खतरनाक पहाड़ी वहाँ से पत्थर गिरने का डर। ऊपर बहुत खतरनाक पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लगातार बोल्डर गिरने के डर रहते हैं। और ये सामने इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश लगातार होते चली जा रही है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये गांव है खेड़ा। अब हम लोग खेड़ा में पहुंच चुके हैं। खेड़ा पार में पुनः पकड़ ये हमने हाँ ये वीडियो खराब नहीं हुआ। ये खेड़ा का पुल है, इसने ये बिमोली नदी पार कर दी है। बिमोली नदी पार करने के बाद हम लोग खेड़ा के गांव में पहुंच जाएंगे। चलो
बड़ा खूबसूरत दृश्य है ये खेड़ा गांव का, साथ में रामगंगा नदी भी बह रही है। बरसात के दिनों में ये नदी उफान पर रहती है और बिल्कुल सड़क को टच करती है, बड़ा खूबसूरत व्यू बनता है। अब बारिश थोड़ा कम हो गई है। ये सामने जो गांव दिख रहे हैं खेड़ा के पार, इसको कहते हैं चुलेरा सिम। इस गांव का नाम चुलेरा सिम है और बारिश थोड़ा कम हो गई है। यहां से हमारा अल्मोड़ा और चमोली का भी अलग अलग बॉर्डर अलग हो जाता है। अभी हम लोग अल्मोड़ा सीमा में, ठीक अगला जो गाँव आएगा वो होगा पालकबाड़ी, और पालकबाड़ी से हम चमोली और गढ़वाल अलग अलग हो जाएंगे। ये सामने जो गांव दिख रहा है ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है। ये हम लोग पहुंच गए हैं पालकबाड़ी, पालकबाड़ी जिसको बोलते हैं, इस गांव का नाम है पालकबाड़ी। पालकबाड़ी दोस्तों बता दूं कि ये अल्मोड़ा और चमोली गढ़वाल का बॉर्डर है। यहां पर के लोग दोनों तरह की भाषाएं जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, और हम लोग भी दोनों भाषाएं समझते हैं और बोलते हैं। यहाँ से कुमाऊं मंडल अलग हो गया और गढ़वाल मंडल अलग हो गया। ठीक यहाँ पर आगे जा कर के जो आपको बैंड दिख रहा है, इस बैंड से इधर को डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा लग गया है जहाँ पे ये बाइक आ रही है, और इससे उधर को डिस्ट्रिक्ट चमोली लग गया है, और हम बस 10 मीटर की दूरी से हम चमोली गढ़वाल में प्रवेश करने वाले हैं। ये देखो हमने चमोली गढ़वाल में प्रवेश कर दिया है, और आप जान सकते हैं कि हमारे चमोली लगते ही कितनी दुर्दशा हो रही है, सड़कों की रास्ते हमारे कितने खराब। अब तक मच्छी तालाब, ये मच्छी तालाब का रूप धारण कर दिया, स्विमिंग पूल बनी हुई है सड़कें, जबकि यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है, मौसम एकदम सूखा है। बारिश पूरी हमें अल्मोड़ा में मिली थी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिली थी खेड़ा तक, और यहाँ से हमारा चमोली लग गया। लेकिन हमारी जर्जर हालत रोडों की आपको आप देख रहे होंगे। ये सामने जो गांव दिख रहा है आपको, ये आदर्श ग्राम लामबगड़ है। इसको पूर्व अभिनेता और आज के राजनेता राज बब्बर ने गोद लिया है, लेकिन इस गांव की हालत इतनी ख़राब है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कि इसका नाम आदर्श ग्राम लामबगड़ है। इसको पूर्व अभिनेता और आज के राजनेता राज बब्बर ने गोद लिया हुआ है। सामने ये जो गाँव दिख रहा है आपको, ये गंगानगर है। अभी मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि कितनी बुरी दुर्दशा हो रही है यहाँ पे हमारे यहाँ पे सड़कों की, और ये लगभग गढ़वाल में ऐसा लगभग काफ़ी जगह पर है। देखिए हमारे सड़कों की क्या जर्जर दशा है। वही रामगंगा नदी हमारे गांव से निकलती है, होते हुए आती है, बीच में एक और खंसर नदी मिलती है जो मैं आपको रास्ते में दिखाता चलूँगा। ये गंगानगर का सीन आप देख रहे हैं, सामने दूर उस गाँव का जो दिख रहा है वो कोट है, उसके ऊपर कलचुंडा है, लामबगड़ है, सड़कों की कितनी हालत ख़राब है। आप इससे महसूस कर सकते हैं कि मेरा हाथ कैमरा पकड़ के कितना हिल रहा है, डगमगा रहा है। ये गंगानगर है, ये गंगानगर है, लामबगड़ के ठीक नीचे है ये गांव बसवा। पहले इस गांव का नाम घटबगड़ था। इस गांव का नाम घटबगड़ है। ये देखो सामने हमारे खेत दिख रहे हैं, ये हमारे खेत हैं धामदेव वालों के,
ये हमारे सब सारा धामदेव वालों की खेती है यहाँ पे। ये नीचे ये जो देख रहे हैं आप वो हमारा खेत है, 1, 2, 3 और 4 चार खेत हमारे हैं यहाँ पे। एक ये जिसमें त्रिकोण सी पड़ी हुई है ये भी हमारा खेत है, और ये उसके बगल वाला भी हमारा खेत है। ये सामने आपको जो दिख रहा है वो कोलानी गांव है, और ये जो व्यूज़ आपको दिख रहे हैं उस तरफ के, ये सामने ये नौगांव है। ये घटबगड़ है, चमोली गढ़वाल शुरू होते ही रोडों की हालत खराब, दुर्दशा हो रखी है। ये सामने आपको जो गांव दिख रहा वहाँ ये नौगांव है। ये रामगंगा नदी है, खंसर नदी का यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर संगम है। ये टूरिस्ट पैलेस भी है, ये यहाँ पे लोग बरसात के टाइम में जब दोनों नदियाँ उफान पर रहती हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पे देखने आते हैं, बहुत अच्छा संगम होता है। आगे से ये दो छोटे छोटे बछड़े जा रहे हैं जो एकदम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं और गाड़ियों से डरते हैं, इसलिए हम स्लो हो गए हैं। इनको जाने देंगे थोड़ा आगे जा करके, जहाँ पे टाइम मिलेगा हम ओवरटेक कर लेंगे इन दो बछड़ों को। ये रामगंगा नदी है, ये हमारे गांव से आती है, ठीक सामने हमारा गांव दिखेगा यहाँ अगली धार से वो रामगंगा नदी। ये नौगांव के लिए जो रोड बन रही है, सामने ट्रैक्टर आ रहा है वहाँ से, ये नीचे से सामान उठा के ले जाता है, रेता बजरी रोड के लिए पत्थर। ये बछड़े साइड हो गए हैं धीरे धीरे। हेड साहब, ये रामगंगा और खंसर नदी का संगम यहाँ पे चल, जब बरसात के टाइम में दोनों नदियाँ भरी रहती तो इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। ये देखिए ये खंसर इधर से आ रही है, और ये धामदेव गांव हमारा गांव, हमारा गांव ये सामने दिख रहा है। हम ठीक आधा किलोमीटर की दूरी पर हैं अपने गांव से। ये खंसर नदी है, ये यहाँ से खंसर नदी शुरू हो गई, वो हमारा गाँव है धामदेव गाँव। ये इसको कहते हैं धामदेव की घाटी, ये घाटी है सामने, ये जो दिख रही है धामदेव की घाटी है। इस पर यू टर्न का बैंड है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये सामने। ये हमारा ये माइथन का एरिया है, ये सामने घाटी पे दुकानें हैं 2, 4, 6, और ये अमन संस्था का मकान है यहाँ पे, यहाँ का ऑफिस है। ये सामने ये नवनिर्मित सड़क नौगांव के लिए जा रही है, धामदेव से कट रही है, यू टर्न ले रही है सामने से। ऊपर जो गांव दिख रहा है वो कोर्ट है, ये माइथन है जो दिख रहा है, ये माइथन है हमारा मेन बाजार माइथन। लेकिन हम उस तरफ माइथन को अभी जाएंगे नहीं, ये यहाँ से खंसर नदी आ रही है, ये पुल है, इस पुल को क्रॉस करते ही हम अपने गांव की सीमा में प्रवेश कर लेंगे। ये नीचे गंगा जी में जेसीबी लगी है, पॉपलैंड लगी है, जेसीबी लगी है, ये रोड पे काम कर रहे हैं। ये सुंदर सा नज़ारा माइथन का, खंसर नदी के साथ साथ रोड जा रही है, पुल हमने क्रॉस कर लिया है, यू टर्न यहाँ से, यू टर्न। ये धामदेव की घाटी आ गई है, ये घाटी की दुकानें हैं। ये हमारे गांव की घाटी आ गई है धामदेव की, ये यहाँ से रोड कट गई है पारना गांव के लिए, नई रोड है। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये अमन संस्था का एक ऑफिस है यहाँ पे। ये और सामने जो गाड़ी आ रही है जिसने हॉर्न दिया वहाँ से हम अभी निकले थे। ये सामने जो गांव दिख रहा है ये रघुनाधार है, ये हमने ये घाटी है हमारे गांव की, ये हमने बस यहीं पे रोक दो, ये हमने यहाँ से अपने गांव में प्रवेश कर लिया। ये सामने हमारा गांव दिख रहा है, ये हमारा गांव है, ये हम उतर गए हैं गांव में। ये सामने नौगांव दिख रहा है, ये अब मैं आपको दरवाज़ा खोलते हुए दिखाता हूँ।
ये लो, ये खोलो लॉक, लॉक खोलो इसका। ये अब माता जी उतर रही हैं हमारी गाड़ी में से। ये पान सिंह भी उतर गया है, ये कविता है। अब हम यहाँ से उतर के अपने घर को जाएंगे। मिलते हैं सर आपको अगली वीडियो में। और जाने की राजपूत पर ठीक है।